एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर का बयान, पूर्ण सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है बीजेपी। विधायकों की खरीद फरोख्त से लेकर दूसरे दलों की सरकारें गिराने के पीछे भाजपा की एक ही सोच, मल्टी पार्टी सिस्टम और डेमोक्रेसी नाम मात्र के लिए रहे। सर, यमलेश बंजारी जी का सवाल था कि जो ये जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, तो हमेशा बीजेपी की तरफ से कोशिश की जाती है कि एमएलए एमपी को थोड़ा अपनी गवर्नमेंट बनाओ, इस तरह का वो बार बार मॉडल देश में ला रही है, तो ये किस तरह की राजनीति करना चाह रही है बीजेपी देश के अंदर? बीजेपी को एब्सोल्यूट पावर चाहिए। बीजेपी को सेंटर और स्टेट्स, यानी अमित शाह जी ने एक बार तो कहा था कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक, यानी 50 साल हम रूल करेंगे, जो उन्होंने कहा था, तो पार्लियामेंट से पंचायत तक हमारी गवर्नमेंट होना चाहिए। ये बात अमित शाह बोलकर दिखा चुके हैं जब वो प्रेसिडेंट थे। उसी नीति के ऊपर में जो है वो बीजेपी चल रही है। बीजेपी ये चाहती है कि भाई मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी देश में ना रहे, डेमोक्रेसी केवल नाम के लिए रहे, लेकिन वन पार्टी रूल चाइना के तरह भारत में रहे और वो वन पार्टी केवल बीजेपी रहे, ये उसकी नीति है। कहने के लिए लोकतंत्र रहे, कहने के लिए संविधान रहे, लेकिन एक पार्टी का जो है वो शासन रहे, ये बीजेपी की नीति है। इसको हमें समझ जाना चाहिए और ये हिंदुत्व का मॉडल है। हिंदुत्व का अगर आप डिटेल में अगर पढ़ेंगे, यदि आप हिंदुत्व के ऊपर में, चाहे आप सावरकर को पढ़ेंगे, गोलवलकर को पढ़ेंगे, हेगड़ेवार जी को पढ़ेंगे, या आप जो है बाकी के अभी जो सुदर्शन से लेकर जो है मोहन भागवत जी तक अगर आप पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि ये जो है उनका थॉट है कि उनको जो पॉलिटिकल सिस्टम है, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। उसमें उनको फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चाहिए, उनको सिंगल पार्टी रूल चाहिए, मल्टी पार्टी रूल नहीं चाहिए, उनको जो है वो स्टेट्स का जो संघीय प्रणाली है वो उसके अंदर में नहीं चाहिए, ताकि जो है आरएसएस बीजेपी का मोनोपोली पावर के ऊपर रहे और फिर जो हिंदू राष्ट्र का जो उनका जो संकल्पना है, जो केवल सांस्कृतिक नहीं है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना ये केवल सांस्कृतिक नहीं है, इसमें बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल है और मिलिट्री है। ये तीन जो एस्पेक्ट्स है इसको हम भूल जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र में वो हिंदू राष्ट्र की जो पॉलिटी है, पॉलिटी यानी उसका जो टेरिटरी और उसकी जो गवर्नमेंट है वो एकाधिकारशाही की रहेगी, अर्थव्यवस्था इस तरह से की रहेगी कि जिसमें संचय जो है कुछ लोगों के हाथ में रहेगा, उसका वितरण नहीं होगा, पुनर्वितरण नहीं होगा सारी जनता के लिए, और मिलिट्री इस तरह से रहेगा कि इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ जंग की तैयारी रहेगी। अगर कोई सोशलिस्ट कंट्रीज है और डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी आगे, उनके खिलाफ जंग की जो है वो तैयारी रहेगी। ये हिंदुत्व का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री मॉडल है। केवल कल्चरल मॉडल को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन बाकी के मॉडल पर उन्होंने ऑलरेडी अपने विचार समय समय पर दिए हैं, उनको समझने की जरूरत है। और इसीलिए वन पार्टी रूल लाने के लिए राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की बीजेपी। सर,